हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दयामय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, मेरा वोकैबुलरी का स्पेशल सीरीज चल रहा है जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोग को 15 नंबर तक का वीडियो कवर करवा चुका हूं। अगर आप लोग 15 नंबर तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट को ओपन करके एक एक वीडियो को वॉच कीजिएगा। सारे वीडियो फ्रेंड्स आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर देखें। और सभी वीडियो फ्रेंड्स हम 5 वोकैबुलरी लर्न करवाए हैं और जो भी आप लोग को बिल्कुल ट्रिक से याद करवाए हैं। आप लोग को थोड़ा सा भी माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिएगा और 5 वोकैबुलरी फ्रेंड्स आप लोग को एग्जाम तक लर्न हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने फर्स्ट वोकैबुलरी आ गया है फ्रेंड्स, अर्डेंट। इससे पहले हम 75 नंबर तक का वोकैबुलरी ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। अर्डेंट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? अर्डेंट का हिंदी होता है उत्साही या फिर प्रबल। क्या होता है? उत्साही या फिर प्रबल। और इसको जो याद करने के लिए हम कीवर्ड बनाए हैं, इसका याद करने का कीवर्ड क्या है फ्रेंड्स? ऑर्डर अंटी। अर्डेंट को किससे रिलेट किए हैं? अर्डेंट को हम मैंने रिलेट किए हैं ऑर्डर अंटी से, इसको हम रिलेट किए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम याद किस तरह से करेंगे। इसको याद करने का तरीका है फ्रेंड्स, अंटी को ऑर्डर मिलते ही वह उत्साही बन जाती है। डेट मीन्स अर्डेंट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? अर्डेंट का हिंदी होता है उत्साही। क्या होता है? अर्डेंट का हिंदी होता है उत्साही बनना। ओके, सिनोनियम क्या होगा इसका फ्रेंड्स? एगर एंड डेजिरस। एंटोनियम क्या होगा? अनएक्साइटेड एंड काम। ओके, अर्डेंट का हिंदी क्या होता है? उत्साही या फिर प्रबल। इसका याद करने का कीवर्ड क्या? ऑर्डर अंटी। किस तरह से याद करेंगे? आंटी को ऑर्डर मिलते हुए क्या बन जाती है? आंटी को ऑर्डर मिलते हुए उत्साही बन जाती है। सिनोनियम है ईगर एंड डेसिरस, एंटोनियम है अनएक्साइटेड एंड काम। ओके, चले नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट वोकैब क्या कर रहा है? नेक्स्ट है फ्रेंड्स बोरासियस। बोरासियस का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? बोरासियस का हिंदी होता है लालची। क्या होता है? लालची। इसको याद करने के लिए जो हम कीवर्ड बनाए बोरासियस को किससे रिलेट किए हैं? उस राशि। बोरासियस को रिलेट किए हैं उस राशि से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम याद किस तरह से करेंगे बोरासियस को? उस राशि में पैदा होने वाले लोग लालची होते हैं। बोरासियस यानी उस राशि, उस राशि में पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं? लालची होते हैं। बोरासियस का हिंदी क्या होता है? लालची होता है। सिनोनियम क्या होता है फ्रेंड्स? कॉवेटस एंड वेरी हंग्री। एंटोनियम क्या होता है? सेटिस्फाइड। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट है फ्रेंड्स फॉमेंट। फॉमेंट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? फॉमेंट का हिंदी होता है उकसाना या फिर भड़काना। क्या होता है? उकसाना या फिर भड़काना। इसको याद करने के लिए कीवर्ड क्या है फ्रेंड्स? इसको हम रिलेट किस तरह से किए हैं? फॉमेंट को हम रिलेट किए हैं फेमस आंटी से। फॉमेंट को किससे रिलेट किए हैं? फॉर्मेट यानी फेमस आंटी। फॉर्मेट को रिलेट किए फेमस आंटी से। अब हम इसको याद किस तरह से करेंगे? फेमस होने के लिए आपको आंटी क्या कर रही है? नौकरी लेने के लिए उकसा रही है। अगर आपको फेमस होना है तो आंटी आपको क्या करेगी? नौकरी लेने के लिए आपको उकसाएगी कि जल्दी नौकरी ले लो और फेमस हो जाओ। तो फॉर्मेट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर्मेट का हिंदी होता है उकसाना या फिर भड़काना। सिनोनियम क्या होता है? इनसाइट एंड स्टिमुलेट। एंड एंटोनियम क्या होता है फ्रेंड्स? लूल एंड स्टॉप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया अस्टेर्न। अस्टेर्न का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? कठोर होता है। अस्टेर्न का हिंदी क्या होता है? कठोर होता है। और इसका याद करने का कीवर्ड क्या है फ्रेंड्स? अस्टेर्न को हम जो रिलेट किए हैं, इसको रिलेट किए हैं एक्स्ट्रा रन से। अस्टेर्न को किससे रिलेट किए हैं? एक्स्ट्रा रन से रिलेट किए हैं। और हम इसको किस तरह से याद रखेंगे जो आप लोग देखिए, एक्स्ट्रा रन बनाने के लिए आपको बहुत कठोर मेहनत करना पड़ेगा। यानी अस्टेर्न का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? अस्टेर्न का हिंदी तो कठोर। और आपको एक्स्ट्रा रन अगर बनाना है तो आपको बहुत कठोर मेहनत करना पड़ेगा। एंड सिनोनियम क्या होता है फ्रेंड्स? हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। एंटोनियम क्या होता है? एल्ड एंड फ्लेक्सिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट, प्रीवैरिकेट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? सच कहने से कतराना। सच कहने से कतराना। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा फनी ट्रिक है, मजा आएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। क्या कर रहा है? प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट को हम किससे रिलेट किए? प्रियवर कैट से रिलेट किए। किससे रिलेट किए? प्रियवर कैट से इसको रिलेट किए। प्रीवैरिकेट को प्रियवर कैट से रिलेट किए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम याद करने का याद किस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा फनी है, आप लोग देखिए। आपकी प्रियवर कैटरीना कैफ बनना चाहती है,
आपकी प्रेवर कैटरीना कैफ बनना चाहती है, पर यह सच कहने से क्या होती है, वह कतराती है। यानी प्रीवायरी कैट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, प्रीवायरी कैट का हिंदी होता है सच कहने से कतराना। तो आपकी प्रेवर कैटरीना कैफ बनना चाहती है, पर यह सच कहने से वह कतराती है। तो याद हो गया होगा सिनोनिम क्या होता है, इवेड एंड शॉक, एंटोनियम क्या होता है, कन्फ्रंट एंड इनकाउंटर। ओके चलिए फ्रेंड्स एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट सभी का, जितना आप लोग को हम करवाए हैं। अर्डेंट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, उत्साही या प्रबल। याद करने का कीवर्ड क्या, ऑर्डर आंटी। इसको याद किस तरह से रखेंगे, आंटी को ऑर्डर मिलते हुए उत्साही बन जाती है, आंटी को अगर ऑर्डर कोई दे देता है तो वह क्या बन जाते हैं, उत्साही बन जाता है और प्रबल बन जाती है। पर हम कितना जल्दी वो काम को कर चुके कर देंगे, आंटी को यह लगता है कि हमको ऑर्डर मिल गया तो हम इस काम को कितना जल्दी कर देंगे, वह उत्साह से भर जाती है। इसका सिनोनिम क्या होता है फ्रेंड्स, ईगर एंड डेजिरस। एंटोनियम क्या होता है, अनएक्साइटेड एंड काम। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था फ्रेंड्स, वोरासियस। वोरासियस का हिंदी क्या था, लालची होता है। इसको कीवर्ड, इसका कीवर्ड क्या बनाया था फ्रेंड्स, इसका याद करने का कीवर्ड बनाया उस राशि। वोरासियस को किससे रिलेट किए, उस राशि से रिलेट किए। अब हम इसको याद किस तरह से करेंगे, उस राशि में पैदा होने वाले लोग लालची होते हैं। कोई भी राशि को ले लीजिए, उस राशि में पैदा होने वाले लोग लालची होते हैं। यानी वोरासियस को रिलेट किए उस राशि से, और उस राशि में पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं, लालची होते हैं। दैट मींस वोरासियस का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, लालची होता है। सिनोनिम क्या होता है फ्रेंड्स, कॉवेट्स एंड वेरी हंग्री। एंटोनिम होता है सेटिस्फाइड। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग के सामने आगे क्या करा, फॉर्मेट। फॉर्मेट का हिंदी क्या होता है, उकसाना या फिर भड़काना। और फॉर्मेट को किससे रिलेट किए, फॉर्मेट यानी फेमस आंटी। फॉर्मेट को रिलेट किए फेमस आंटी से। अब देखिए फ्रेंड्स इसको याद करने के लिए किस तरह से हम याद रखेंगे, फेमस होने के लिए आपको आंटी, आंटी आपको नौकरी लेने के लिए उकसा रही है। बट अगर आपको फेमस होना है तो आंटी का क्या क्या काम रहेगा, आंटी का काम रहेगा कि आपको उकसाएगी किस लिए, नौकरी लेने के लिए। क्योंकि फेमस होना है तो नौकरी तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्मेट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, फेमस आंटी, सॉरी फेमस, फॉर्मेट को रिलेट किए फेमस आंटी से। इसका हिंदी होता है उकसाना या भड़काना। सिनोनियम होता है इनसाइट एंड स्टिमुलेट। एंटोनियम होता है लूल एंड स्टॉप। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, अस्टेर्न। अस्टेर्न का हिंदी क्या होता है, कठोर। और इसका याद करने का कीवर्ड क्या, एक्स्ट्रा रन। याद करने का कीवर्ड क्या, एक्स्ट्रा रन। और इसको हम किस तरह से याद रखेंगे, एक्स्ट्रा रन बनाने के लिए आपको बहुत कठोर मेहनत करना पड़ेगा। सिनोनियम क्या है फ्रेंड्स, हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। एंटोनियम है एल्ड एंड फ्लेक्सिबल। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया प्री बैरिकेट। प्री बैरिकेट का हिंदी क्या होता है, सच कहने से कतराना। और प्री बैरिकेट को किससे रिलेट किए, प्रेवर कैट से रिलेट किए थे। और इसको किस तरह से याद करेंगे, आपकी प्रेवर कैटरीना कैफ बनना चाहती है, पर यह सच करने से हुआ क्या करती है, कतराती है। यानी प्री बैरिकेट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड, सच कहने से कतराना। सिनोनियम क्या होगा, इवेड एंड शॉक। एंटोनियम क्या होता है, कन्फ्रंट एंड इनकाउंटर। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में मजा आया है। अगर फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो से कुछ सीखने को मिला है इसे लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अभी तक आप लोग मेरा रात 8 बजे जो वीडियो आता है फ्रेंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट का जो लाइव हम आते हैं, अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो रात को 8 बजे आना है और आपको लाइव वीडियो में अपना स्कोर चेक करना है कि अभी तक आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।